सोनी रंगली यहाँ रब की मेहर बसे यहाँ नीर बहे मस्तानड़े यहाँ पावन पवन बहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिखों और मराठों ने हमारे फर्जंद को हराकर अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमारे जलाल को ललकारा है। तैमूर भज गया, मराठे भी चले गए। मैं लाहौर का सूबेदार हूँ, सल्तनत हिंदुस्तान अदीना बेग की सेहत के नाम। हकीकत तो ये है कि हम आपकी मदद के बिना अफगानों का मुकाबला नहीं कर सकते। रघुनाथ राव जी, अफगानों के खिलाफ हम आपका साथ देने को तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है। रघुनाथ राव जी, हमारे खुफिया महकमे की खबर है कि अफगान सेनाएं कल दिल्ली से पानीपत पहुंच जाएंगी। हम अंधविश्वासी नहीं हैं, मगर परंपरा का पालन करना हम अपना धर्म समझते हैं। शादी ब्याह नामकरण की बात और है, उनके लिए आप परंपरा निभाइए, मगर दुश्मन कभी मुहूर्त देखकर वार नहीं करता, और उसका मुकाबला करने के लिए मुहूर्त निकालना खुदकुशी होगी। सुनो जी, क्या हुआ मेरे सरदार जी, किस सोच में डूबे हो? सब सुख तो है। एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? पानीपत में मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए। हे मेरे भाई गुरु, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अब अहमद शाह अब्दाली के हौसले और भी बढ़ जाएंगे, और जुल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं रहेगी। हे सच्चे पाशाह, हमारे देश की रक्षा करना, मेहर करी परमात्मा। हे वाहेगुरु, मेहर करी। मुबारक हो, मुबारक हो बाबाए अफगानिस्तान, मुबारक हो मराठों पर आपकी फतेह, आपको मुबारक हो। आप कौन हैं? ये आला सिंह फूलकिया हैं हुजूर, इसी ने मराठों को रसद और चारा मुहैया करवाया था। आला सिंह, तुमने मराठों की मदद ये सोच के की थी कि वो जीत जाएंगे? मैंने मराठों को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है कि अब वो दोबारा दिल्ली का रुख नहीं करेंगे। जनाब, मैंने मराठों की मदद नहीं की, उनसे एक सौदा किया, मैंने बेचा, उन्होंने खरीदा। अगर वो मुफ्त मांगते तो? मुफ्त क्यों मांगते, उनके पास खुद एक शानदार हुकूमत है।
अगर वो उधार मांगते तो कीमत ज्यादा लेता। तिजारत का यही उसूल है। ओह, तो तुम तिजारती हो? जी, हर वो बंदा जो अपना फायदा सोचता है वो तिजारती होता है आलमपना, चाहे वो हाकिम हो या एक मामूली इंसान। अपने नफे नुकसान का सोचना हर एक इंसान का हक है। इसीलिए तुम दल खालसा में शामिल नहीं हुए आला सिंह? तब तो तुम हमारे दोस्त हुए आला सिंह। ये मत भूलिए आलमपना कि मैं एक सिख हूं और मरते दम तक सिख रहूंगा। तो ठीक है, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मराठों से तुमने जितना कमाया है उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। आपको आपका हिस्सा पहुंच जाएगा हुजूर। तुम हमारे दोस्त होते तो बेहतर होता, मगर एक समझदार दुश्मन हो, इसलिए हम तुम्हारी कदर करते हैं। तुम आजाद हो, जा सकते हो। आपने उसे जाने क्यों दिया जहां पना? दुश्मनी में भी दोस्ती के दरवाजे खुले रखने चाहिए उबैद खान। कभी सिखों से जिंदगी में दोस्ती का हाथ मिलाना पड़ा तो ये आला सिंह काम आएगा। और आपने सिखों को नेस्तो नाबूद करने का जो हुक्म दिया है वो अपनी जगह कायम है, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। वाहे गुरु जी का खालसा। खालसा जी, आज सरबत खालसा की संगत इसलिए बुलाई गई है ताकि सरबत खालसा यह तय कर सके कि सरदार आला सिंह फूलकियां को पंथ से बेमुख होने के जुर्म में तनखाइया करार दिता जाए या नहीं। अजी, आला सिंह तो एक व्यापारी है, ये अपने फायदे के लिए दुश्मन से भी सौदा कर सकता है। मैंने किसी दुश्मन के साथ कोई सौदा नहीं किया, मैंने सिर्फ मराठों की मदद की है, वो भी अफगानों के खिलाफ। फिर अब्दाली ने तुम्हें अपना समझदार दोस्त क्यों कहा आला सिंह? अब्दाली ने मुझे अपना समझदार दुश्मन भी कहा है। और फिर इसी के बदले तुमने अपने मुनाफे का आधा हिस्सा उसे दे दिया? वो हिस्सा नहीं, जान की कीमत थी खालसा जी। अब्दाली अब जान गया है कि सबसे पहले मैं एक सिख हूं और अपने सिख पाइयों के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आला सिंह दल खालसा की एक कमजोर कड़ी है जो कभी भी टूट सकती है। आला सिंह की मौजूदगी दल खालसा के लिए महंगी साबित हो सकती है। सरदार आला सिंह, अपनी सफाई में आप कुछ कहना चाहते हैं? दुश्मनी में भी दोस्ती के दरवाजे खुले रखने चाहिए भाई जस्सा सिंह जी, और अब्दाली और दल खालसा के बीच में वो दरवाजा मैं हो सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमें अब्दाली से कुछ सीखना चाहिए। उसने आला सिंह को अपना समझदार दोस्त इसलिए बताया है क्योंकि वो जानता है कि जंग में दुश्मन से वाबस्ता होना बहुत जरूरी है। जंग तो लड़ी जाती है तलवारों से, मगर जीती जाती है अकल से। जरा सोचिए, अब्दाली जी से अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार है, वो हमारे कितने काम का हो सकता है? मेरे वीर चड़त सिंह ने मेरे दिल की बात कह दी, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। सरपत खालसा जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। खालसा जी, सरदार आला सिंह बेशक कसूरवार है, मगर अब्दाली से इनकी दोस्ती सरबत खालसा के लिए फायदे की है, इसीलिए मेरी ये तजवीज है कि हम इन्हें तनख्वाह लगा दें और इन्हें माफ कर दिया जाए। सरदार
सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु जी। सुनो जी। हाँ जी। आप गजपत सिंह हो ना, जींद वाले? हाँ बाबा जी। क्या हुआ बच्चे को, कैसे मर गया? बच्चा नहीं, बच्ची है बाबा जी। अच्छा हुआ मर गई। आप तो जानते ही हैं आज के जमाने में बेटी होना कितना बड़ा श्राप है। अफगानों, अब अफगानों का डर कहाँ, अहमद शाह तो हार चुका है। वो फिर भी हमला करने से बाज नहीं आएगा बाबा जी। पिछले 50-60 सालों में मुगलों और अफगानों के डर से पंजाब ने मातम के सिवा कोई मौसम नहीं देखा, कोई त्योहार नहीं बनाया। ब्याह शादियां चुपचाप ऐसे कर दी जाती हैं जैसे कोई हादसा हो। बेटियां तो अब पंजाब की बेटियों को कुछ नहीं होगा, वो बेफिक्र बेखौफ घुमा करेंगी। बच्ची दिखाओ तो जरा। हाँ हाँ दिखाओ। अज, अज, अज। गजपत सिंह जी, ये आपकी बेटी तो जिंदा है। गुरु महाराज ने आपकी अमानत लौटा दी, ये देखो। शुक्र है वाहेगुरु तेरा, लख लख शुक्र है। बहुत किस्मत वाले हो गजपत सिंह, ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। मैं देख रहा हूं ये एक ऐसे शूरवीर को जन्म देगी जो पंजाब को खुशियों से भर देगा। पंजाब में अपना ही राज होगा, इसलिए मैं इस बच्ची का नाम रखता हूं राज कौर। लो ले जाओ इसे, अच्छी तरह से इसकी परवरिश करना। जाओ जाओ घर जाओ। वाहेगुरु तू बड़ा बेअंत है। अब्दाली जा चुका था, सिखों की ताकत बढ़ रही थी। चढ़त सिंह अपना इलाका बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और इस जंग में अफगानों से सियालकोट का किला छीनकर चढ़त सिंह ने नूरुद्दीन बमजई को भारी शिकस्त दी। बमजई साहब, अब तो दिल करता है कि हम लोग अफगानिस्तान वापस चले जाएं, तभी अच्छा है। क्यों भाई, चढ़त सिंह ने आपसे आपका इलाका छीन लिया और हमसे हमारा, और हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? चढ़त सिंह के यहां आजकल जश्न का माहौल चल रहा है और यह 7 दिन चलने वाला है। हमला करने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। यह आर पार की लड़ाई है नूरुद्दीन, हमला इतना जबरदस्त हो कि चढ़त सिंह को संभलने का मौका न मिले। बंदूकें, गोला बारूद, तोपे, हमें पूरे साजो सामान के साथ हमला करना होगा। सबसे पहले हम किले को उड़ा देंगे।
मुझे एक बात समझ नहीं आई। भाई तुझे क्या समझ नहीं आया? ये इतनी रौनक लगी क्यों है? भाई तुझे नहीं पता? नहीं। चड़त सिंह का इरादा कहीं पूरे पंजाब पर कब्जा करने का तो नहीं है? चड़त सिंह के लिए तो सात खून माफ है, उस पर तो दल खालसा की मेहर है, उसे कौन रोक सकता है? चड़त सिंह ने जो भी जीता है अपनी तलवार के बल पर जीता है। आपकी तलवार में बल हो तो आप भी जीत लीजिए। भाई चड़त सिंह ने नूरुद्दीन बमजई से सियालकोट तो ले लिया, वजीराबाद, केवरा की नमक की खाने और पिंड ददन खान धानी जैसे अफगानी इलाकों को अपने शुकरचकिया इलाके में शामिल कर लिया सिर्फ अपनी तलवार के जोर पर। आप लोगों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप लोग हमारे 7 दिन के मेहमान हो, इसके लिए किसी बात का संकोच नहीं करना। भाई मेरी तो रब से ये दुआ है कि चड़त सिंह की तलवार की धमक सिंध और कश्मीर से लेकर काबुल और कंधार तक सुनाई दे। ये लो, एक तो करेला, ऊपर से जसा सिंह ने नीम चढ़ा दिया। ये क्या हुआ शुक्रा? बड़ी अलग सी आवाज है। लगता है कोई बड़ा पटाखा फूटा है। ये पटाखा नहीं है, लगता है किसी ने हमला किया है। खालसा जी, जिसके हाथ जो हथियार लगे लेकर मोर्चाबंदी करो। फतेह मियां, आप तोपे संभालिए। जी सरदार जी। बापू जी, मैं की करा? पुत्र, तू और दादी हिफाजत कर जाके। चंगा। चलो। बोले सोनिहार। हम भी लड़ेंगे। सब लोग अपने अपने घर जाकर पानी गर्म करो, हम दुश्मन पर बरसाएंगे और हम आग के गोले किले की दीवार से फेंकेंगे। ये किले से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता है, हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे और पीछे के रास्ते से दुश्मन को घेर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आजो। लाहौर के सूबेदार उबैद खान को शिकस्त देकर सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया जी अपने साथियों के साथ लाहौर शहर में दाखिल हो गए। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 चड़त सिंह जी। हाँ जी भाई जस्सा सिंह जी, हमें इन नारों से तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए। सतलुज से लेके सिंध तक दल खालसा का हुक्म चलता है। ये लोग अब खुशियां नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे भाई जस्सा सिंह जी? नहीं नहीं, शहर के बीच का किला तो अब भी अफगानों के हाथ में है। अफगान लाहौर में भी हैं और पेशावर भी पहुंच चुके हैं, इससे पहले कि हम सिख दोनों तरफ से अफगानों से घिर जाएं, हमें लाहौर छोड़ देना चाहिए। हां चड़त सिंह जी,
इस बार अब्दाली सिर्फ हम सिखों के लिए आ रहा है और पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। सिंह जी, पहले हमें औरतों और बच्चों को लकी जंगल पहुंचा देना चाहिए, उसके बाद अब्दाली से लड़ने के लिए इकट्ठे होना चाहिए। ठीक कह रहे हो वीर जी। नहीं पाई जी, हम औरतें भी लड़ेंगी, जंगल में छिपकर नहीं बैठेंगी। तिसा, सोच ले, हमें तुम्हारी बहादुरी पे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम लोग जिंदा पकड़ी गई तो हमें मारना ही नहीं मरना भी आता है। तो ठीक है, जो औरतें लड़ना चाहती हैं वो हमारे साथ चल सकती हैं। गुरु रख। सिख अब कहां हैं? खुफिया महकमे की खबर है हुजूर कि वे मलेर कोटला के पास रायपुर गुजरांवाला गांव में हैं और अपने बीवी बच्चों को लक्की जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। तादाद 30,000 के करीब है हुजूर, मगर हथियार बंद 15,000 ही हैं, बाकी औरतें बच्चे और बूढ़े हैं। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सिख आज की रात कुप नाम के गाँव के पास रुकेंगे। खबर मिली है कि उन्होंने बहुत सी लकड़ियां रात में जलाने के लिए इकट्ठा की हैं। यकीनन उनका इरादा रात वहीं गुजारने का है। ये कुप कितनी दूर है? 100 कोस दूर। हम उन्हें लक्खी जंगल नहीं पहुंचने देंगे। 10,000 घुड़सवार आधी रात के बाद रवाना करो। आधी रात के बाद क्यों जहां पना? दिन के थके मांदे सिख जब गहरी नींद में होंगे तब हम उन पर हमला करेंगे। सरहंद के सिपे सालार और मलेर कोटला के नवाब को हमारी तरफ से फरमान भेज दो कि वे कल सुबह अपनी फौजों के साथ हमारे हमले में शामिल होंगे। जो हुक्म जहां बना। नींद में गाफिल सिखों को हथियार उठाने का तो क्या, अपनी आंखें खोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अपनी आंखें खोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। आंखें खोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। आंखें खोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। वचतर महदूर करने अपने के निड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया। हिम्मत हिम्मत, लगता है अब्दाली आ रहा है। चल सबको जगाओ, उठो सबको जगाओ। नानक ते मुखुजे अब्दाली आ रहा है। शुक्रा सबको उठा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वीर जी लगता है अब्दाली आ रहा है। रामगढ़िया जी आया जी। हरि सिंह जी। जी वीर जी। तुसी उधर दा मोर्चा संभालोगे? चंगा जी। चड़त सिंह ते मैं इधर दा मोर्चा संभालांगे। जाइए। चलो जी। चलो जी। देसा। जी भाई जी। हाँ देसा, तू औरतां और बच्चों को इकट्ठा कर, उनकी हिफाजत करी। ठीक है भाई जी। आला शुक्रा चल। सारी औरतें बच्चे और बूढ़े बीच में इकट्ठे हो जाएं, सारे हथियार बंद
औरतों बच्चों और बूढ़ों के चारों ओर घेरा डाल ले। चरण सिंह जी। हाँ जी। हमें परनाला की ओर जाना है। सरदार आला सिंह के इलाके में असी महफूज रवांगे। ठीक है वीर जी। घबराने की कोई लोड़ नहीं है। सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप करते चलो। सतनाम श्री वाहेगुरु। 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 मोमिनों, एक भी सिख बचने न पाए, बच्चे बूढ़े औरतें सबका काम तमाम कर दो। रुक जाओ। अहमद शाह, तू अपने आप को मोमिन कहता है? मोमिन कभी औरतों बूढ़ों और बच्चों पे वार नहीं करते। इस्लाम की राह पर चलने वाला कभी किसी मजलूम पे वार नहीं करता, लेकिन तू उन्हें रौंदता है। इस्लाम की राह पर चलने वाला औरत की इज्जत करता है, लेकिन तू उनसे बदसलूकी करता है। इस्लाम की राह पर चलने वाला खुद भूखा रहकर भूखे को खिलाता है, लेकिन तू मखलूक की रोटी छीनता है। खामोश। इस्लाम का हवाला देकर खुद को बचाना चाहता है। तू क्या जाने इस्लाम क्या है काफिर? हम काफिर नहीं है, नहीं है हम काफिर। हम सारे भी खुदा परस्त हैं। हमारे हरमंदर साहब की बुनियादी ईंट गुरु अर्जन देव जी ने एक मुसलमान फकीर मियां मीर जी से रखवाई थी। मेरे लिए यही बात इस्लाम को समझने के लिए काफी है अहमद शाह। अगर हरमंदर साहब रोशनी का मीनार है और उसकी बुनियाद एक मुसलमान फकीर ने रखी है, तो इस्लाम इंसानियत का समंदर है। और तू ये बात भूल गया है अब्दाली, हजरत मोहम्मद साहब जब भी जंग पर जाते थे अपनी फौज को हिदायत देते थे कि बच्चे बूढ़े और औरतों पर हाथ ना उठाएं। याद कर उस फरमान को और जाने देने, मरने मारने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, इस सिख कौम का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। तुम सिख ही थे जिन्होंने मराठों के साथ मिलकर मेरे बेटे तैमूर को हराया था। मराठों को तो मैंने बुरी तरह से मार दिया है, अब तुम्हें नेस्तो नाबूद करूंगा। Fire!
केस नहीं कटाऊंगा बेबे, नहीं नहीं मैं केस नहीं कटाऊंगा। रुड़ जाने आ, केस नहीं कटवाएंगा ते अब्दाली तेरा सिर कट देगा। सिर कट लेन दे, मैं सिर कटा दूंगा पर केस नहीं कटावांगा। पुत्र नाहर सिंह तू चिंता ना कर, तेरे बाप ने तुझे सिख बनाया है और तेरे बाप को इस बात का गर्व है। अगर अहमद शाह अब्दाली के सिपाहियों ने तुझे हाथ भी लगाया तो हम, तेरा ये छोटा भाई और तेरा ये बाप, हम तीनों साथ कटकर मरेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी, मुझसे नहीं देखा जाएगा। रुकैया की माँ शाही फरमान है और अब्दाली के कुत्ते गली गली घूम रहे हैं। अगर तुम नहीं देखोगी तो लाहौर तक खबर पहुंच जाएगी और तुम्हारा सिर भी कलम करके सिखों के सरों के साथ शामिल कर दिया जाएगा। कीड़े पड़े इस अहमद शाह को, अल्लाह गर करे इसे, मिट्टी खराब हो कमबख्त की, जीते जी जहन्नम नसीब हो जहन्नम। धीरे बोलो धीरे, शाही फरमान है कि कटे हुए सरों को देखकर मुस्कुराना है, नहीं तो मार दिया जाएगा हमें। या अल्लाह, ये सब देखने से पहले मुझे मौत दे दे, यही सब दाली को उठा ले। चिरे जो आरियों से या चढ़ाए जाए चल खड़ी, कटा के बंद बंद भी करे खुदा की बंदगी। कटा हुआ है शीस पर खिली हुई जबीन है, खिली हुई जबीन है, ये कैसी सरजमीन है। ये कैसी सरजमीन है। परजाई जी, परजाई जी, अब दूध है? हाँ दूध। परजाई जी, भाई चरण सिंह, दूध है? 30,000। 30,000 में से सिर्फ 2-4,000 ही बचे हैं आला सिंह जी। हे रब्बा, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका, इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मुझे खबर देर से मिली। आला सिंह, तुसी वक्त पे पहुंच भी जानते तो भी ये कत्लेआम होना इसी अब्दाली हमें सबक सिखाने की ठान के आया सी। पहला कल्लूकारा तो छोटा कल्लूकारा सी, लेकिन ये वट्टा कल्लूकारा है। भाई दुनिया की तारीख में ये वर्क खून से लिखा जाएगा, खून से। खालसा जी, खबर सच है, अब्दाली ने एक बार फिर से हरमंदर साहब को उड़ा दिया। और जो 30 साल से हरमंदर साहब की हिफाजत कर रहे थे वो शहीद हो गए, लेकिन इस बार गुरु साहब ने अब्दाली को नहीं बख्शा। वो कैसे? पता चला है, हरमंदर साहब की एक ही तोड़कर सीधे अब्दाली की नाक पर लगी। सुना है जख्म बहुत गहरा है, पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। हे रब्बा, तेरा शुक्र है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
ये जख्म कब तक ठीक होगा हकीम साहब? वक्त तो लगेगा हजूर, जख्म काफी गहरा है। मैं इस जख्म से तंग आ गया हूं। मरहम लगाने दीजिए हजूर, ऐसे जख्म नासूर बन जाते हैं। मेरा नासूर तो सिख है। नूरुद्दीन। जी हुजूर। तुम कश्मीर पर हमला करो और हाकिम जम्मू रंजीत देव, हुक्म जहां बना, आप एक बड़ी फौज लेकर हमारे सिपह सालार के साथ जाएं। जो हुक्म। कश्मीर हमारी सियासी जरूरत है, और रही बात सिखों की, तो अब वो 10 साल तक सिर नहीं उठा पाएंगे। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। क्या हुआ? सिखों ने सरहिंद पर हमला करके हमें बहुत बड़ी शिकस्त दी है। आए गुरु जी का खालसा। सरहिंद अब हमारा है। हमारे लिए ये मौका ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी की शहादत यही हुई थी। उन्हीं दोनों की याद में यह गुरुद्वारा बनाया गया है, जिसे दल खालसा की सम्मति से गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब नाम देता हूं। बोले सो। बड़े कल्लू कारे के बाद सिख दबने के बजाय दोबारा खड़े हो गए थे। खालसा दबदबा फैलता जा रहा था और लाहौर की अफगान हुकूमत लाचार हो चुकी थी। बस कीजिए हकीम साहब। लगा लेने दीजिए हुजूर। पता नहीं क्यों जख्म भरने की जगह और भी गहरा क्यों होता जा रहा है। कहीं आपकी हिंदुस्तानी बूटियां भी तो मुझसे बदला नहीं ले रही हकीम साहब। जड़ी बूटियां दोस्त दुश्मन में कोई फर्क नहीं करती हैं हुजूर। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। बस कीजिए हकीम साहब, आप जाइए। जी जहां पना, खबर आई है कि अमृतसर में 60,000 सिख इकट्ठे हो गए हैं। समझ में नहीं आता इन सिखों का क्या किया जाए। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमारा ख्याल है कि हमें सिखों से सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह और सिखों से? हाँ जा बना, तुम्हारा क्या ख्याल है तैमूर? अब्बा हुजूर, बमजाई साहब की बात में वजन है। अगर हम सिखों से सुलह कर भी लेते हैं तो किन शर्तों पर? हमें उनको लाहौर की सूबेदारी दे देनी चाहिए। अगर हम मान गए तो क्या वो मानेंगे? जब आला सिंह सरहिंद की सूबेदारी के लिए मान गया है, तो ये खालसे लाहौर की सूबेदारी के लिए क्यों नहीं मानेंगे? आला सिंह का नाम मत लो, वो पक्का सौदागर है। सूबेदारी हमसे लेता है और मरम पट्टी सिखों की करता है। जहां पना, हमें कोशिश तो करके देख लेनी चाहिए। उन्हें हमारी तरफ से सुलह का पैगाम भेज दो, और कुछ कीमती तोहफे भी। शांत हो जाइए, फरमाइए जनाब नूरुद्दीन बमजई। सरदार जस्सा सिंह जी, शाह अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली ने आपके लिए अमन का पैगाम भेजा है। अमन का पैगाम?
और ये क्या है? शाह अफगान की तरफ से अदना सा तोहफा है। अहमद शाह ने हम सिखों को जो तोहफे दिए हैं, उन्हें हम पुल्ले नहीं है। ऐसा है कि बादशाह सलामत चाहते हैं कि आप गुजरी हुई बातें भूल जाएं, और इसीलिए उन्होंने काबुल के ये नायाब मेवे आपके लिए भेजे हैं। अहमद शाह अब्दाली से कहना हम किसान हैं, अपनी मेहनत के चनों से खुश हैं, उसके मेवे हमें कबूल नहीं। दरअसल बादशाह सलामत आपको लाहौर की सूबेदारी पेश करना चाहते हैं। नूरुद्दीन बमजाई, अहमद शाह होंदा कौन है हमें लाहौर की सूबेदारी पेश करने वाला? वो बादशाह अफगानिस्तान का होगा, पंजाब का नहीं है। हमारे लिए आजादी के चने इन गुलामी के मेवों से बेहतर है। सरदार जस्सा सिंह जी, मुगलों ने कानूनन पंजाब को अफगानिस्तान का हिस्सा मान लिया था, और इस लिहाज से वो पंजाब के भी बादशाह हुए ना, और ऐसे में आपको भी उन्हें बादशाह मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? पंजाब पर अगर मुगलों ने अपना हक छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब के सपूतों ने भी अपना हक छोड़ दिया है। उस अफगानी लुटेरे से जाके कह दो, पंजाब पर अगर मुगलों ने हक छोड़ दिया है तो अफगानों को यहां पंजाबी सपूत नहीं रहने देंगे। रामगढ़िया जी, सिपा सालार बमसाई, जाकर अपने बादशाह से कहना कि अब हम उसे मैदान जंग में मिलेंगे। हसीन है